नैनीताल के जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए सेना ने संभाला मोर्चा, भीमताल में बोटिंग रुकी। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। जंगलों की आग पर नियंत्रण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सुबह करीब 6:30 बजे सेना के हेलीकॉप्टरों ने रेकी भी शुरू कर दी। कई चक्कर लगाने के बाद 7:30 बजे सेना का पहला हेलीकॉप्टर भीमताल झील के ऊपर पहुंचा। फिलहाल 2 हेलीकॉप्टर झील से पानी लेकर जंगलों की आग पर नियंत्रण में जुटे हुए हैं। आखिरकार आपदा के समय अंतिम विकल्प के रूप में सामने आने वाली सेना को ही वनाग्नि रोकथाम का मोर्चा संभालना पड़ा। सेना के हेलीकॉप्टरों से पानी भरकर अब जंगलों की आग पर नियंत्रण करने का प्रयास किए जा रहे हैं। शनिवार सुबह तड़के से ही सेना के हेलीकॉप्टरों ने भीमताल से पानी लेने को रेकी शुरू कर दी थी। 7:30 बजे भीमताल झील से पानी लेकर पहला हेलीकॉप्टर नैनीताल की ओर रवाना हुआ। फिलहाल 2 हेलीकॉप्टर झील से पानी लेकर जंगलों की आग पर नियंत्रण में जुटे हुए हैं। वनाग्नि की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी। बता दें कि तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही वनाग्नि की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। शुक्रवार को नैनीताल के आसपास के जंगलों में भीषण आग लग गई। कठिया क्षेत्र के जंगलों में लगी आग बढ़ते हुए पाइंस के समीप लड़ियाकांटा स्थित वायुसेना स्टेशन के समीप तक पहुंच गई। 7 ताल और नकचुया ताल झील में नौकायन बंद कराकर झील से पानी लेने संबंधित कागजी प्रक्रिया पूरी की। देर शाम को नैनी झील और भीमताल में सेना के हेलीकॉप्टरों ने रेकी की, मगर अंधेरा हो जाने के कारण झील से पानी उठाने में सफल नहीं हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।